An Academy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt-solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. Okay, so hello everyone. ओके आई थिंक मेरा आवाज़ आपको आ रहा होगा, मैं विजिबल हूँ अच्छे से, मुझे बता दो, चेक कर लेता एक बार आवाज़ में क्लियर आ रहा है मेरा। ओके सो मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। सो आज हम बनाने वाले, देखो एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे छोटे बच्चे होते थे 6th 7th क्लास के, वो लोग JCB का बहुत बनाते हैं, JCB बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा आज कुछ भी रिमोट कंट्रोल वाला ना बना के आज हम बनाएंगे हाइड्रोलिक सिस्टम। दो तरह से वे बनाऊंगा मैं आपको, और हाइड्रोलिक वे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसको बनाता है, बहुत ही सामान बहुत सारा लेके आया हूँ एक्चुअल में, ठीक है, उसको ट्राई करेंगे पूरा आज। ड्रिलिंग है, होलिंग है, नट बोल्ट वगैरह सब लगाएंगे अपन, सीरिंज का यूज़ करने वाले हैं। सो फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कितने जने। हेलो विक्रांत, कैसे हो आप? निकुंज, बहुत दिनों बाद मिले, आप कैसे हो आप? हेलो सिद्धार्थ। ओके सो हम JCB, आप लोगों ने कभी ट्राई किया, बनाया है क्या ये वाला पार्ट, तो मुझे बताओ। देख लेते थोड़ी बहुत, स्टूडेंट आ जाए एक बार और, चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आज का टॉपिक हमारा क्या है, वो है हाउ टू मेक अ हाइड्रोलिक JCB। बहुत फेमस है वो, सिरिंज से बनाते हैं हम, जो इंजेक्शन वाला जो आता है प्लास्टिक का आता है जिसको हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा पाइप का यूज़ करते हैं हम जिसे ड्रिपर बोलते हैं, उसको IV सेट बोला जाता है, उसका यूज़ करके हम बनाएंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम, जो भी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को बता दूँ, मेरा नाम सतीश कुमार राउत है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है रोबोटिक्स से रिलेटिव और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और अभी रिसेंटली मैं अनअकैडमी पे रोबोटिक्स क्लासेस लेता हूँ बिल्कुल लाइव। अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको भी शेयर करूँगा। अभी मैं यहाँ पे आपको लाइव रेगुलर आके क्लासेस देता हूँ यहाँ पे रोबोटिक्स के बारे में, रोबोट्स कैसे वर्क करते हैं, सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, बोर्ड्स कैसे वर्क करते हैं। तो आपको इन चीज़ों को सीखना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सतीश सर कब क्लास लेने वाले हैं। सो ये सबसे बेस्ट मौका है, फटाफट से इसको पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और अन अकेडमी के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, अन अकेडमी लेके आया है आपके लिए अन अकेडमी आस्क अ डाउट, बिल्कुल न्यू फीचर है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी इस फीचर्स को और अपडेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सॉरी, तो एक्सटेंड कर दिया आपके लिए। आप लोग फटाफट जाइए अन अकेडमी के अंदर, डाउट्स पूछिए और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे आपको। और डाउट्स क्या होंगे, कैसे पूछने मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या है कि अन अकेडमी आस्क अ डाउट के अंदर है क्या, आस्क अनलिमिटेड डाउट, मतलब आपको क्या है बस बहुत सारे अनलिमिटेड डाउट्स मिल सकते हैं, कितने भी पूछ सकते हो आप, जितने आपकी इच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स में कुछ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, एग्जाम चल रहा है, किससे पूछे, रात की 12 बज रही है, 1 बज रही है, तो आप अन अकेडमी से पूछ सकते हैं। उसका ऐप डाउनलोड करना, उसमें किसी भी टाइम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क डाउट एनी टाइम, उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन इन इंग्लिश हिंदी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपका आस्क डाउट वाला मतलब अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो आप, वहाँ आस्क डाउट का फीचर पर क्लिक करना है आपको, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने क्वेश्चन को लेना है, क्वेश्चन को क्लिक करके आप ले लीजिए, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से क्रॉप कर लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है। क्रॉप करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, किसका क्वेश्चन है, वो सबमिट कर दीजिए। तो कुछ ही देर के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी टॉप एजुकेटर के द्वारा। बहुत ही न्यू फीचर है, बिल्कुल फ्री है, आपको आज ही इसको ट्राई करना है, जाइए अनअकैडमी पे, 10 डाउट पूछिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलेगा। तो सबसे अच्छा मौका है अभी अनअकैडमी के साथ जुड़ने का आपको, ठीक है। और अनअकैडमी के कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, अनअकैडमी लेके आया है आपको लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, मतलब आप घर बैठे बैठे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेके लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है फॉर ऑल कोर्सेज, आपको सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टॉप एजुकेटर ऑफ द इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे सारे के सारे टॉप एजुकेटर मिलेंगे जिनसे आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगा। यहाँ मैं भी रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, रेगुलर डाउट क्लीनिंग सेशन चलते हैं इसके लिए। इसके अलावा लाइट टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है आपको, ठीक है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलो कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, उससे पहले आपको बता दूँ अनअकैडमी एवरी मंडे न्यू बैचेस लेके आता है, तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं कि हम अभी ज्वाइन करेंगे, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। और अभी तो आस्क अ डाउट वाला फीचर चल रहा है, उसका आप बेनिफिट लीजिए। बस आपको 10 डाउट्स पूछना है अपने मैथ्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके भी पूछने हैं, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एज अ फ्री, ठीक है। सो आस्क अ डाउट पर क्लिक कीजिए और जाके पूछिए, सॉरी
सो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है मैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। देखो अनअकैडमी ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है उसके अंदर आपको दो तरह के प्लान प्रोवाइड होता है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको 1 मंथ से लेकर 48 मंथ तक का आपको प्लान्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है इसके अंदर आपके कुछ चार्जेस होंगे। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान 3,000 रुपीज़ का अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट ने ट्राई कर लिया है डेफिनेटली मुझे पता है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का भी परचेस कर लिया होगा उन्होंने। एक रीज़न इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का हम अगर परचेस करते हैं तो हमारा पर मंथ का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। यहाँ बहुत सारा 60% तक का डिस्काउंट आ जाता है 15 मंथ का कोर्स लेने पर आपको। इसके अलावा अगर आपको इसमें और भी डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा SLIVE33। जो भी यहाँ प्राइजेस दिख रहा है आपको उसमें भी 10% और ऑफ मिलेगा आपको अगर SLIVE33 का आप यूज़ करते हो रेफरल कोड का। तो जल्दी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप अपने, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ सोच रहे हैं तो अभी आप ले लेंगे तो आपको आस्क डाउट का भी फीचर जो है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो कि देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में जो प्लस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लासेस वो आइकॉनिक में भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है आइकॉनिक में ये वाला जो फीचर है ये बहुत अच्छा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें आपको पता है पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पर्सनली आपको एक गाइड दिया जाएगा जो कि आपको 1-on-1 गाइड आपको करेगा कि कैसे आपको स्टडी करना है, क्या आपका टाइम टेबल रूटीन वगैरह सारा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी, आपकी वीकली रिपोर्ट तैयार होगी, पेरेंट्स से कनेक्टिविटी रहेगी रेगुलरली, और स्टडी प्लानर भी दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसके प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है। प्लस जो यहाँ पे 3 मंथ से का मिनिमम प्लान आपको 12,000 रुपीज़ का पड़ेगा। इसमें चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है लेकिन इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये यूनिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में भी है, तो मेरे ख्याल से आपको यही वाला लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो फिर ज़्यादा मंथ का भी ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ मिलेगा। 48,000 रुपीज़ के अंदर 24 मतलब 2 ईयर्स का प्लान एक बार में ले लिया आपने और उसके बाद आपको पर मंथ का कॉस्ट 2,000 रुपीज़ ही आ रहा। मतलब इसके अलावा आपको इसमें और भी डिस्काउंट चाहिए, जो भी हमें प्राइजेस दिख रहे हैं आपको मंथ वाइज, तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा SLIVE33। SLIVE33 का रेफरल कोड यूज़ करते हैं आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपने आस्क अ डाउट अनअकैडमी के जो नया फीचर लॉन्च हुआ है वहाँ जाके अपने क्वेश्चन पूछे हैं, ओनली 10 क्वेश्चन, देन उसके बाद आपको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल सकता है। तो जाइए अनअकैडमी डाउट को भी अनअकैडमी पे डाउट पूछिए फटाफट से। इसके अलावा अनअकैडमी का ऐप आपको डाउनलोड कैसे करना बताता हूँ। देखो आपके पास अगर फ़ोन है, आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन है, उसमें जाइए प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी ऐप लिखिए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप को जो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर यूज़ कोड आएगा, तो वहाँ पर कोड ये वाला ज़रूर यूज़ करना SLIVE33, जिसके कारण आप अनअकैडमी की बहुत सारे फीचर को फ्री कर पाएंगे। ठीक है, तो जाइए अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से और SLIVE33 रेफरल कोड का यूज करिए। चलिए तो आज का हमारे जो कंपोनेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। 6 जने, हेलो एवरीवन, हेलो तरुण ब्रदर कैसे हो, ओके सो रहमन है, हेलो रहमन, हेलो सिद्धार्थ, निकुंज, यहाँ 6 जने हैं। ओके सो फर्स्ट यहाँ पे देखो कंपोनेंट यूज़ के बारे में बता देता है, स्क्रू ड्राइवर, नट बोल्ट एंड आइसक्रीम स्टिक। मैं कुछ लेके तो बैठा हूँ, देखेंगे इसको ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे से। ठीक है, और ये सीरीज भी चाहिए होगी हमको। ठीक है, और एक्चुअली में क्या आता है ये जो है कितने ml की लेनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है, तो आप लोग के हाथ के हिसाब से देख लेना, क्योंकि ज़्यादा मोटी हम सीरीज वगैरह ले लेते हैं तो वो प्रेस नहीं होती, बहुत ताकत लगती है। ठीक है, तो मैं तो अभी फिलहाल 10 ml की लेके आया हूँ और वो इजीली मिल गई, क्योंकि इससे ज़्यादा ml की लेने जाओ ना तो मिलती नहीं है, वो बोलेंगे भैंस को सुई लगानी है आपको जो इतनी बड़ी सीरीज ले रहे हो आप। ठीक है, ओके सो नयन अग्रवाल, हेलो नयन, अच्छा आज की क्लास में नयन भी थे, ओके नयन, सो आज हम यहाँ हाइड्रोलिक का सेटअप करेंगे। इसके अलावा देखो पाइप है, एक पाइप मतलब आईवी सेट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव प्रैक्टिकल में। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स के नेम तो मैंने आपको बता दिए, कुछ इस तरह का सेटअप हम तैयार करेंगे बिल्कुल सिंपल। देखो एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ ना, डायरेक्ट आप ये मत सोचो कि मैं ना ड्रोन बना लूँगा, ठीक है ट्रक बना लूँगा या फिर वॉइस कंट्रोल बनाऊंगा, पहले आप एक स्टेप पूरा कर लो, 2 या 3 स्टेप। तो ये हाइड्रोलिक वाला सबसे सिंपल लगा मुझे, मैंने भी ऑनलाइन देखा था इसको। ठीक है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपन ये वाला यूज़ करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल वाला, थोड़ा सा इसको बड़ा वे में बनाएंगे और अपने वे में तैयार करेंगे, इसको 2-in-1 करेंगे। ठीक है, इसको क्रेन में कन्वर्ट करेंगे पहले, देन उसके जेसीबी में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। इसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये खुद से अपन तैयार करेंगे और बिल्कुल यूनिक रहेगा। एक ये वाला लिफ्ट वाला सिस्टम भी है, आप ये भी वाला भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो देख लेते हैं अभी फटाफट से, यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे फीचर पे हमारे,
ओके सो हमारा जादू वाला कैमरा हम ऑन कर लेते हैं। हमारा जादू वाला कैमरा कहाँ से गया? ओके सो ये देखो जादू वाला कैमरा ऑन हो गया। यार मैं बहुत सारे देखो लकड़ी के टुकड़े लेके तो आया हूँ, अब इसको सेट करना है एक्चुअल में। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई वुडन का वर्क होता है ना, उसके लिए भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आई मीन बार बार उसको कटिंग करो, छेद करो, सेट करो, तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम जाता है। ठीक है, तो वो वाला टाइम हम यहाँ लगाएंगे। मे बी अपन का आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, वैसे तो कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, आज दोनों तरीके से तैयार करेंगे हाइड्रोलिक वाला। पहले हम क्रेन सिस्टम तैयार करेंगे, क्रेन को ही हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी जने वीडियो देख रहे हैं फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो। हेलो गौतम, हेलो नयन सर, आई हैव नॉट मेड इट बट सीन इन द अदर वीडियोस। यस 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 हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं सही बताता हूँ, मैंने भी नहीं बनाया ये कभी। ठीक है, बहुत पहले बनाया था एक्चुअली, मैं स्कूल में बड़ा फेमस है, मैं एग्जीबिशंस वगैरह लेने जाता था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि अगर एक स्कूल में एग्जीबिशन है तो पाँच अगर 15 से 20 प्रोजेक्ट है तो उसमें दो तो हाइड्रोलिक के जेसीबी सिस्टम तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत स्कूल में फेमस है, और कुछ छोटे बच्चे हैं जो 6th 7th 8th 9th 10th के अंदर है, इवन वो सब भी बनाते हैं इसको मल्टी फंक्शन में। तो सिंपल है आज वाला टास्क की, ताकि आप कर सको इसको। ठीक है, चलो इसको ट्राई करने के लिए हम क्या क्या सामान लेते हैं, मैं देखो बता रहा हूँ आपको। आईवी सेट लेना पड़ेगा एक्चुअली में, इसे बोलते हैं आईवी सेट। ये लेके आया हूँ मैं, ये 25 रुपये का लगभग मिला है, थोड़ा सा महंगा मिला है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना महंगा मिलेगा। और ये किस पैकेट में आता है दिखा देता हूँ, आज इसको भी ट्राई करेंगे हम। ठीक है, देखो ये कुछ है, इसको आईवी सेट बोलते हैं, कुछ तो लिखा हुआ है इसमें आईवी आईवी आईवी। तो वो जो था मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, वहाँ जाके बोलोगे ना आईवी सेट दे दो, पता नहीं कहीं लिखा तो है नहीं, आईएसओ बोलते तो आईवी सेट है, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं, आईवी सेट बोलना है इसको, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और ये एक्चुअल में 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक भी मिलता है, ये बड़ा काम का है। ठीक है, तो आप इसको ले आना, और कुछ सीखना है तो कुछ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसका आज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, और हाँ बच के थोड़ा सा इसमें निडल रहती है, दिख रहा है, इसको हम बिल्कुल ढक्कन में रख के सेव करेंगे, दूर रख देते हैं। और ये अच्छा क्या है, हम न्यू ही यूज़ करनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास पाइप्स हो गए इकट्ठे, जिससे हम का जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो दो हमें आईवी सेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक से भी काम हो जाता वैसे तो। ठीक है, साथ में देखो हमें सीरिंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये लेके आया हूँ 10 ml की है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ml, तो 10 ml से हमारा काम हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास 10 ml की हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से स्मूथ चल रही है, ऐसे पानी भरेंगे, देन उसके बाद इसको यूज़ करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, एक तो हमारा सेटअप ये वाला हो गया सर, दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रिक क्रेन है। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक क्रेन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे 3 आवर्स का टाइम चाहिए होगा लाइव इलेक्ट्रिक क्रेन के लिए। इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना आसान है, अगर आप लोगों ने मेरी रेगुलर क्लास ली है तो वायरलेस वाला जो मैंने रोबोट तैयार किया है, उन गियर मोटर को नट बोल्ट के साथ एडजस्ट करके आप इस बिल्कुल इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बस टाइम लगता है उसमें। है तो सिंपल, लेकिन उसको लिए सुखाने के लिए 1 घंटा MCL लगानी पड़ती है, जिससे वो सॉलिड हो जाए, नट इधर उधर मूव ना हो, सीधे एक्सल पे लगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन फ्यूचर हम उसको भी अप्लाई करेंगे जब हमारा वर्कशॉप होगा, लाइव वर्कशॉप होगा 2 to 3 hours का। ठीक है, चलो जितने जने वीडियो देख रहे हो फटाफट से पहले लाइक कर दो, पानी पी लेते हैं पहले। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं सब बैकअप लेके बैठा हूँ, ताकि मुझे चेयर से उठना ना पड़े। ये देखो वुडन की प्लेट्स लेके आया था मैं, ये वो है दरवाजों के ना, जब दरवाजे नए घर बनते हैं ना, तो दरवाजे के कोनों पे लगती है फिनिशिंग के लिए। और ये मैं लेके आया हूँ कितने की, 30 या 40 रुपये की एक बड़ी डंडी आई थी। ठीक है, तो ये है, आप चाहो तो गत्ते का भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही यूज़ करना है। और एक्चुअल में मैं इसको सोच कैसे रहा हूँ बनाने की, पहले आपको प्लानिंग बताता हूँ। ठीक है, मैं भी एक्चुअल में पहली बार ही बना रहा हूँ, पता लग गया। ये देखो बिल पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर बिल छुपाने पड़ते हैं। चलो देखो, तो फर्स्ट देखो मेरे को क्रेन सिस्टम तैयार करना है, तो मैंने टुकड़े काट लिए। देखो जरूरी नहीं किस साइज़ का भी टुकड़ा ले लो, आपके सिरिंज के हिसाब से सेट कर लो। फिलहाल मैंने ये टुकड़ा ये लिया हुआ आराम से, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अब मुझे यहाँ पे होल्ड करना है, तो मैं इसके साथ इसको चिपकाता हूँ, आज ग्लू गन का बड़ा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे चिपकाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सिस्टम यहाँ ऐड हो जाए हमारे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट कर लूँ। ठीक है, ये देखो ड्रिल मशीन लेके बैठा हूँ, आज इसका फुल अपन यूज़ करने वाले हैं ड्रिल मशीन का। ठीक है, बस ये मेरे मोबाइल पे ना गिर जाए। चलो, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको, इस सिस्टम को ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पे हम अपना ये सिरिंज वाला पार्ट लगाते हैं, तो ये काम करना चाहिए। देखो ऐसे कुछ लगाएंगे हम, और इसको इस तरह से करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा पहला हम क्रेन वाला पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखो ये क्रेन वाला पार्ट इतना जा रहा है, तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो ये क्रेन वाला पार्ट इतना चल जाएगा ऊपर, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आएगा तो ये बंद हो गया आएगा। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में होल करके सबसे पहले नट लगाना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम होल करेंगे, ठीक है। होल करने के लिए मुझे यही तो जुगाड़ चाहिए, तो मैं भी सबसे पहले इसके अंदर होल कर लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखो इसमें होल करता हूँ मैं, थोड़ा कचरा ज़्यादा होएगा आज, क्या क्या गिर रहा है इधर उधर से, फेवी क्यूब नाराज हो गई, गिर गई। ओके सो देखो यहाँ पे मैंने इसको होल कर लिया, और देखो होल जो है एक्चुअल में ये आप चाहो तो ड्रिल मशीन से कर लो, अगर गत्ते का बना रहे हो आप पूरा, गत्ते में थोड़ा सा ढीला रहता है लकड़ी का ही, पतला सा बनाना आप थोड़ा बहुत, आइसक्रीम स्टिक जो बड़ी वाली मोटी वाली आती है तो वो यूज़ कर सकते हो आप, डबल कर लेना इसके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें एक्चुअल में क्या नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे, तो पहले होल देख लेते हैं हमारे काम के है या नहीं है। अब बताए एक्चुअल में मैं नट बोल्ट भी बहुत सारे लेके आया, पर ये अपने काम का नहीं है, रुके एक सेकेंड। ओके सो ये हमारे पास काफ़ी है, ये देखो इसमें लग नहीं रहा है, तो अपना होल जो है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला ढीला होना चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल लूज है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इससे काम हमारा, ठीक है। सो हमारा क्रेन वाला पार्ट ये था, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे ये माउंट करना है, तो मुझे यहाँ पे भी होल करना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। चलो देखो यहाँ पे, और पता है आपको ये वाला जो बिट है ना ये बड़ा काम का है, मतलब आप अगर सोच रहे हो ड्रिल मशीन है, आपको बार बार प्रॉब्लम आती है ड्रिल करने में वगैरह, तो आप है ना सबसे पहले ये वाला बिट ही ले लेना, ठीक है। ये वाला बिट थोड़ा सा महंगा आता है 500-600 रुपये का, लेकिन पता है ये जो बिट है सभी तरह में छेद करता है, इसकी छेद करने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, तो मैंने ये वाला बिट लिया हुआ है, ठीक है। पता नहीं कितने का था, 700 रुपये के 3 बिट आए बड़े बड़े, लेकिन अगर 200-300 रुपये का भी एक मिल जाता तो भी बेस्ट है, क्योंकि छोटी वाली बिटें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, यूज नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये वाला है, एक तो होल हो गया, ये होल हो गया, ओके। तो को फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत वाशर भी ले लेते हैं, क्या पता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें। सो ये मैंने इसके अंदर वाशर ले लिया, ठीक है, और मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो चीज़ों को क्या पहले हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। हम 2-3 तरह के ट्राई करेंगे आज। ओके सो फर्स्ट देखो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, तो हम इधर भी क्या करते हैं एक वॉशर लगा देते हैं। ये वॉशर है 1 रुपये के 2-3 आ जाते हैं, ये सब हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा आपको नट बोल्ट, ठीक है। हम नट बोल्ट जो है आप अंदाजे से ले लेना जितना आपका होल है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा इसमें नट लगा देते हैं ताकि ये जो है थोड़ा सा फ्री भी रहे और टाइट भी ना रहे, ठीक है। ओके सो देखो ये बिल्कुल ढीला है, देखो कितना ढीला लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्रेन के अगर हम जब लगाएंगे तो ये बिल्कुल ढीला रहने चाहिए, टाइट मत करना, अभी भी मैं बता रहा हूँ उसको टाइट मत करना, सब जगह कचरा हो गया, ठीक है। अब चलो इसके अलावा ये पार्ट तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन अगर मान लो मुझे एक सेकेंड अगर मुझे फिलहाल अभी इसके अंदर क्रेन सिस्टम बनाना है, सबसे पहले मैं क्रेन बना रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक होल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं JCB की बात करूँ तो मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए होगा जिसके कारण वो वर्क कर सके, तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे होल कर रहा हूँ, इससे मेरे फ़ायदा क्या होगा कि अभी क्रेन वाला सिस्टम भी काम कर जाएगा हमारा, साथ में JCB वाला जो पार्ट है ना खोलने बंद होने वाला वो पार्ट भी हम इसमें इजी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ होल करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा एक्चुअल में ये बात, इसको टाइट कर लेते बाद में ढीला कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअल देखो क्या लग रहा है, गंदगी तरह लग रहा है ना। ओके सो देखो इसको सेट कर लेते हैं, ये तो निकल ही गया। ये वाला पार्ट हमारा ठीक है, सो ये वाला पार्ट हमारा होल हो गया। एक्चुअल में इस वाले पार्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इस चक्कर में मैंने इसको ऐसा किया, है ना। दूसरी चीज़ हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी ये वाले पार्ट के अंदर, हाँ हाँ एक पार्ट की ज़रूरत और पड़ेगी,
एक्चुअल में क्या, चिपकाने से पहले पहले हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी यहाँ पे। मान लो मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, अभी मैंने ये पेस्ट कर दिया, तो अब मुझे मान लो ये स्टिक यहाँ लगानी है, अगर मुझे हाइट कितनी लेनी है, ये मेरी हाइट है यहाँ पर का, मैंने इतनी हाइट लेनी मुझे, इतनी हाइट, तो ये पार्ट जो है यहाँ पर आएगा इस तरह से, ठीक है, तो मुझे इसके आसपास भी ड्रिल करने पड़ेंगे ताकि मैं इसकी फिटिंग को इससे बांध सकूँ, ठीक है। अच्छा, आयरन भी चालू करना पड़ेगा यार, गर्म करना पड़ेगा, आयरन चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पार्ट जो है यहाँ पे फिटिंग में आता है इस तरह से, हम इसको फिट करते हैं, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो पार्ट है इसको धक्का मार के नीचे लेके आएगा, कितना, इतना, ठीक है। और यहाँ पे हमें होल लगाने पड़ेंगे जिससे कारण ये ऊंची जाए, ऊपर ऊपर जाएगा और काम करेगा। तो यहाँ पे हमें लाइन से थोड़े बहुत होल करने पड़ेंगे जो अपने अंदाजे से सेट करें, जैसे बेल्ट में होल करते ना, एक ही जगह चार करवा लेते हैं कि थोड़े बहुत कर देना आप, तो वही काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, यहाँ नौ जने देख रहे हैं। हेलो हेलो एवरीवन, ओके, सो नौ जने देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो आप फटाफट से, ठीक है। और कैसा ये सिस्टम लग रहा है ना, मस्त, ठीक है। चलो, तो अब हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है, वो हाइड्रोलिक वाले पार्ट के लिए मैंने ऐसा किया कि इस, चलो अब बहुत सारी चीज़ सही हो चुकी है, हमने अंदाजे अंदाजे से हमने सारी चीज़ जोड़ी, अगर कुछ पार्ट रह भी जाता तो हम उसको आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको चिपका लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, कोई बात नहीं, होता है इतना तो, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स है, एक्चुअल में ये डायरेक्ट चिपकाऊंगा तो आपको भी पता है बहुत दिक्कत आने वाली, डायरेक्ट चिपकाऊंगा तो, देखो मैं इस पर कलर पेपर वगैरह का यूज़ नहीं करा, आप कलर पेपर या कलर करोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बना रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली बना पाओ, ठीक है। तो इस तरह का, अब अच्छा मैं बताऊँ ना, आपको ये लकड़ी नहीं मिले ना तो वो 10-20 रुपये की स्केल आता है, वो लेके उससे भी काट सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं भूल गया, नहीं तो वही लिया था मैं, फालतू में इतनी सारी लकड़ियाँ खरीद के लिया है, ठीक है। तो आप लोग स्केल का यूज़ कर लेना तो कम कॉस्ट का पड़ेगा, लकड़ी लेने जाओगे तो पूरी डंडी देगा वो, तो 20 रुपये का स्केल आता है लकड़ी का, वो पुराना वाला वो ले लेना, उसको काट लेना, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, ये वाला सिंपल है, आपने देखा हाइड्रोलिक वाले में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ये वाला हम ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो इसको, ये ब्लॉक को चिपका लेते हैं, मैंने क्या गन गर्म की हुई है, ठीक है। तो ग्लू गन का हम आज यूज़ करने वाले हैं, गर्म तो भयंकर हो गया, एक सेकेंड, एक्चुअल में मैं ग्लू गन का कम यूज़ करता हूँ ना के बराबर, लेकिन यहाँ तो ग्लू गन के बिना काम ही नहीं होने वाला। सो फर्स्ट देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लगाता हूँ पहले, और पता है ये ग्लू गन से बच के रहना, बहुत ही सेफली यूज़ करना इसको, अरे यार पीछे रखना था मेरे को, ठीक है। अब मुझे पता है ये वाला जो है मे भी टूट सकता है, निकल सकता है, क्योंकि इतने से भी काम चलेगा नहीं, तो सपोर्ट के लिए मैं इस ब्लॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो टुकड़े वगैरह कुछ भी लगा देना, बैटरी लगा देना पीछे की साइड, सपोर्ट मिल जाए बैटरी से, लकड़ी के टुकड़े से, कैसे भी, लेकिन मजबूत रखना। अब मजबूत रखने के लिए तो ये नीचे टच होएगा, तो इसके नीचे गम लगाएंगे और यहाँ गम लगाएंगे ताकि इसको फिट कर सके, पर हाथ बचाना है, एक तो बात करते करते चिपक जाए मेरा हाथ में ये, ठीक है। देखो एक्चुअल में इस साइड से मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत वगैरह ना आए, ठीक है। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, नहीं तो चिपक जाएगा मेरे हाथ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं सेफ्टी के लिए, अब देखो अब निकले तो बताऊँ मैं इसको, ठीक है। अभी हमारा पूरा सॉलिड हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा सूख जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ वाला सेटअप पूरा हमारा रेडी है, बिल्कुल ढीला होना चाहिए, देख रहे हो आपको ढीला, टाइम टाइम टू आपको इसको टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो अब मुझे, अच्छा यहाँ पे 7 जने लाइव है, अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों ने इन दिनों बनाया क्या, कुछ नया तैयार किया, आप लोग के एग्ज़ाम खत्म हो गए तो क्या सोचा आपने। देखो तो JCB कम से कम बना लेना, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, और फिर इसको कन्वर्ट करना कैसे, रिमोट कंट्रोल कार से, मतलब रिमोट कंट्रोल जो सिस्टम आता है उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बस उसमें दिमाग लगाना आपको, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको मोटर के थ्रू कैसे चलाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैं पहले से चीज़ों को थोड़ा सा सुखा के MCL वगैरह जो लगाते हैं उसको फोल्ड करके रखूँगा ताकि आपको दिखा पाऊँ, वो नट बोल्ट वगैरह से इसको आगे पीछे करके इसको ना वायरलेस भी बना सकते हैं, बिल्कुल वायरलेस JCB वर्क करेगी, बनाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। चलो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट जो है मेरे को कुछ इस तरह से ऐड करना है कि जब खुले तो ही देखो ऐसे हो जाए, ठीक है, और ये इतना इतना चला जाए, दिख रहा है आपको, और जब ये नीचे आए तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, अब कितना, इतना, चलो इतना नीचे आए तो ज़्यादा बेटर है, इतना इतना तो आना चाहिए नीचे, देखो इतना तो आना चाहिए, तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, इस पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, साथ में इसको जब उठाएंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है, अगर मैं देखता हूँ,
ओके सो यहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसका थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके सो ये जो है इसके अंदर अपन को होल करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ताकि इसके साथ अपन ये सेटिंग इसकी बैठा सके, ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है ओके, ये आयरन चालू है, मैं इसमें होल कर रहा हूँ। एक्चुअल में थोड़ा सा पतला ही होल करना है, होल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके सो देखो होल अच्छा हो गया इसके अंदर। ठीक है तो ये हमारा होल वाला सेटअप रेडी हो चुका है। ठीक है अब इसको एक्चुअल में क्या है ना, जो पार्ट हम इसके साथ जोड़ना है ना, उस पार्ट के अंदर हमें पानी वगैरह पहले ही शायद भरना पड़ेगा। ठीक है तो उसमें हम सोच रहे हैं पानी वगैरह भर लेते हैं और पाइप्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो पाइप्स हमारे पास है, सो ये आईवी सेट है हमारा, ये वही है जो बोतल वोटल चढ़ती है नसों के अंदर। ठीक है ग्लूकोज की बोतल, सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको फिलहाल उड़ा देता हूँ, ये मेरे कोई काम का नहीं, चलो आगे से उड़ाता हूँ ताकि बाद में कुछ ज़रूरत पड़े तो। ओह माय गॉड मैंने सब कुछ जला दिया, मेरा सैनिटाइजर स्मेल कर रहा है पूरा प्लास्टिक। ओके सो फर्स्ट देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड ये तो जाएगा ही नहीं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चला गया चला गया। देखो आप लोग को लगेगा ये जाएगा नहीं, लेकिन चला जाएगा। देखो इस तरह से दिख रहा है आपको, बहुत ताकत लगाओगे ना इससे ज़्यादा ना तो। ठीक है इसको आईवी सेट बोलते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है पाइप जो दिख रहा है ना आपको, नहीं तो बोल देना वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ने वाला ड्रिप होती है वो दे दो। और वैसे भी आप जाओगे बोलोगे ना 7-8 इंजेक्शन दे दो, तो वो खुद ही समझ जाएगा हाइड्रोलिक क्रेन बना रहे हो। आज मैं गया तो उसने यही बोला कि भैया हाइड्रोलिक क्रेन बना रहे हो आज, मैंने ना हाँ, और गलती से अन अकेडमी की टी शर्ट पहन के गया तो 2 मिनट में और समझ गया। अच्छा अच्छा मैं समझ गया भैया आपकी क्लासेस आती है। चलो यहाँ पे देखो ये पूरा सिस्टम रेडी कर दिया मैंने। अब देखो एक्चुअल में क्या, ये होल और ये होल मैंने इसलिए किया था ताकि मेरा जो सिस्टम है इससे अटैच हो सके इजीली। इजी अटैच करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। आप तो यहाँ पर धागा वगैरह बांध लेना, तार वगैरह बांध लेना, मेरे पास तो ये जिप टाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं केबल टाई। ठीक है देखो केबल टाई लेके आया हूँ, बहुत सारी पड़ी हुई है एक्चुअल में, तो मैं आज इसका यूज़ करने वाला हूँ। आपके पास अगर धागा है और या फिर तार है उससे भी आप बांध सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता ज़्यादा। ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर दिक्कत है इसमें पानी की, पानी भी तो भरना पड़ेगा। कुछ सॉल्यूशन चलो देखते हैं कुछ करते हैं। ये देखो ये मैं इसे लगा रहा हूँ, मतलब इजीली क्या थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैंने इसका ऐसा यूज़ किया और मेरे को थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है और ये क्या आता है कि ओके सो आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट है, ढीला भी रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा। देखो इस तरह से लग गया है। ठीक है अभी इधर उधर जा भी नहीं रहा ज़्यादा और जाएगा भी तब खुलेगा नहीं, ये लॉक वाली टाई बोलते हैं इसको। ठीक है और केबल टाई बोलते हैं या फिर जिप टाई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बोलो। ठीक है अब देखो ये इस पोजिशन में आया, जब ये खुलेगा ना तो देखो कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है देखो खुला ना, अब बंद होएगा ना तो देखो कि इस तरह से बंद होएगा। ठीक है तो मुझे कितना नीचे ले जाना उसके पोजीशन के हिसाब से सेट करना है। ये देखो पोजीशन इतना सेट किया, अब ऊपर लेके जाना है ना तो ये देखो। अच्छा एक चीज़ का इसमें ये हो रहा है कि थोड़ा सा हिल डुल रहा है ये जो पार्ट है ना, तो अगर ये हिल डुलता भी है इस पोजीशन पे सही काम कर रहा है। ठीक है और इसको देखो मैं बंद कर रहा हूँ, पूरा ताकत से लगाया मैंने तो ये सोचू। तब ये या तो आप इसमें थोड़ा सा गम वम लगा के इसको सेट कर लो। ठीक है अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हमें वापस ड्रिल लगाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ गम ही लगा दूँ, बस ये पूरा पिघल ना जाए, पूरी मेहनत पानी भी चल जाएगी। रुकना पड़ेगा, एक तो पूरा काम गड़बड़ हो जाए अपना। तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है एक्चुअल में, सही बताऊं तो।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो काम हो ही जाएगा, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ये निकल रहा है, तो अपन को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके अंदर है ना इसको भी बांधना पड़ेगा, और किस वे में बांधना पड़ेगा वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके लिए टेप चाहिए हमें। सो फर्स्ट हमें टेप मशीन का, हमारी एक सेकेंड, अब टेप का जुगाड़ लगाना। ओके हेलो समीम अख्तर, कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, लर्न बाय चिन्मय, बहुत दिनों बाद आप आए हो क्लास में, तो कैसे हो? सो अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ इस टेप का, क्योंकि मुझे इसने थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, मुझे लगता है टेप के अलावा कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। ओके सो इस मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो गया टेप लगाना, अरे वाह, ये थोड़ा एडजस्ट भी हो जाएगा और टेप लगाने से ईजी भी हो गया। ठीक है, ये वाला मतलब ठीक है, एक ला लो, ग्लू गन छोड़ दो, ग्लू गन मत लगाना अब, हम भी देखो इसको तो मैं ना आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके ठीक है, अब मेरे ख्याल से परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हमारा क्रेन वाला पार्ट मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो कुछ भी सामान रख के उसको कैरी करके उठा सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, मुझे और भी सिस्टम तैयार उठाना है, तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसके साथ और एक और सिरिंज कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला मेरा सिरिंज वाला पार्ट है, इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, पता इस पाइप की बड़ी अच्छी बात है कि ये फिट होता है तो बहुत टाइटली फिक्स हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीकेज को लेके रहता है, वो शायद इनमें नहीं रहता है। ठीक है, ये देखो थोड़ा लगा तो दिया है मैंने, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको तो पहले बंद करना पड़ेगा ना, अब देखते हैं। अरे वाह, काम करता है तो यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कितना अच्छा काम करेगा ये देखो ये देखो ये सच में काम करता है, तो इसमें पानी भरेंगे तो शायद ये और अच्छा वर्क करेगा। ये मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, देखो, ओह माय गॉड, ये पूरा ऊपर चला गया, इतनी हाइट आ गई, देखो। ठीक है, और ये देखो वापस रिवर्स पोजीशन पे आने की कोशिश भी कर रहा है, धीरे 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 आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ी सी एयर डालनी पड़ेगी, इसको पहले नीचे करना पड़ेगा ताकि ये पूरी अपनी एयर निकाल सके। ओके सो अब डालते हैं। ओके ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सच में ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। चलो अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम। ओके थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, देखना अभी ये किस तरह से वर्क करता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड मेथड यूज़ करें, मैंने देखे हैं बहुत सारे जिन्होंने बहुत टफ टफ बनाए हुए हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप लोग कम से कम ये वाला ज़रूर तैयार करना। ठीक है, और हाँ, अन अकेडमी आस्क अ डाउट फीचर को जरूर यूज़ करना, क्योंकि अब भी अन अकेडमी लेके आया आपके लिए आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान भी वो फ्री मिलेंगे, बस आपको डाउट्स पूछने हैं और अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, एस लाइव 33 का रेफरल कोड यूज़ करना है। फिर देखो आप, अब बहुत सारे कोर्सेज भी अन अकेडमी की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइव जो है इसी लेबोरेटरी चैनल पर आपको लाइव क्लासेज भी मिलेगी बहुत सारी, तो अभी आप कनेक्ट हो जाओ आस्क अ डाउट पर क्लिक करके फटाफट। ये होल कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे मुझे धागा मिला नहीं, तो मैं कॉपर का यूज़ कर रहा हूँ, धागा तो दो तीन पड़े थे। अब देखो ये मैं कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर, ओके सो मैं यहाँ पे थोड़े से वायर चार बार ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चार वायर की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और मुझे सामान थोड़ा सा लिफ्ट करना है, तो मैं ये क्रेन वाला सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, देन उसके बाद अपन इसको हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो अभी ओके सो आई थिंक थोड़ी जगह तो बनाई मैंने। ठीक है, तो ये मेरे चार वायर हैं, इनको उड़ा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक क्रेन वाला पार्ट बना रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आप धागे वगैरह का यूज़ करना, गत्ते वगैरह का यूज़ करना, बिल्कुल लो कॉस्ट में तैयार हो जाएगा, और आप उसको एक घंटे में तैयार करोगे, मैं इस तरह की टेक्निक से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल में। तो देखो ये, देखो ये हमारे दो तार लग चुके हैं, ये ट्रोली सिस्टम तैयार कर रहा हूँ मैं। ऐसा शायद वहाँ पे डॉक वगैरह में होता है, डॉक यार्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शिप वगैरह,
वहाँ पे स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। तो ये अभी पता है जेसीबी जो क्रेन वाला सिस्टम है वो वाला पार्ट बन गया है, ठीक है। अभी सिर्फ ये ऊपर नीचे ही लिफ्ट करता है, आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, अगर वैसा नहीं हो रहा आपसे तो मुझे बताना, ठीक है। अगर जो जो इम्प्लीमेंट कर लेगा मुझे बताना। और हाँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उन लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी जब भी मेरी इस लाइव लेबोरेटरी चैनल पे क्लासेस आएंगी आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि मेरी क्लास कब होने वाली है। वैसे चैनल को बेल आइकन दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लोगे तब भी मिल जाएगा, दोनों ही ऑप्शन है। नीचे सतीश सर करके दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं रोबोटिक्स के। ओके, सुबह देखो ये मेरा सिस्टम ट्रॉली वाला पार्ट है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगा ताकि मैं अपने सामान को लिफ्ट कर सकूँ। ओके, सो यहाँ से मैं इसको बैंड कर रहा हूँ। ओके, सो ये वाला पार्ट जो हमारा पूरा रेडी हो चुका है, अब मुझे इसके साथ इसको जोड़ना है। तो ये देखो, मैं ये वाला पार्ट जो है इसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये क्रेन वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और बिल्कुल मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में तैयार कर सके इसको। आपको और अच्छा बनाना है, हार्ड करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया RF मॉड्यूल से। पहले आप ट्राई करना, मैंने RF मॉड्यूल पे काम करना बहुत अच्छे सिखाया हुआ। जिन जिन बच्चों ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप इस चैनल पे जाके सतीश सर के सर्च करना, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियोज़। ओके, सो हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है जैसा हम चाह रहे थे फिलहाल, और ये मेरे ख्याल से अब काम करना चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए थोड़ा सा लोड, हमारे डॉकयार्ड में बहुत सारा माल जो है इधर से दूसरी शिफ्ट में शिफ्ट करना है। सो यहाँ पे देखते हैं ये सिस्टम एक्टिवेट होता ही नहीं होता, और ये तो काम ही नहीं कर रहा। ओके, सडनली उठा ये, ठीक है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम में सडनली उठा है। अब मैं इसको नीचे नीचे लेता हूँ, देखो वाह, बहुत बहुत सही लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना वेट को लिफ्ट करते हुए, ठीक है, और काम भी कितना अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो, और इसका लुक भी बड़ा प्यारा आ रहा है, ध्यान से देखोगे ना तो उसका पूरा लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है, और बिल्कुल हैंडमेड लुक के अंदर आपने तैयार किया। मतलब आप इसको स्कूल में लेके जाओगे तो डेफिनेटली बिल्कुल आपका हाथ से तैयार हुआ है ये, बिल्कुल नज़र आ रहा है। और देखो कितना ईजिली है, इसमें ज़्यादा फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन मैं पानी भी नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें पानी भर देना, पानी भी पूरा फैल जाएगा, इसलिए मैं फ़िलहाल पानी नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, रिलीज़ अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। देखो धीरे धीरे खींचूँगा बिल्कुल ईजी वे में। वाह, तो सच में ये काम करता है बड़ा सही। मतलब ये सीरीज वाला सिस्टम इतना अच्छा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, अब पानी डाल दोगे तो हाइड्रोलिक वाला कहलाएगा, अभी तो एयर पे वर्क कर रहा है। हेलो मिहिर, कैसे हो आप? हेलो अंश लक्ष्मी फिल्म, हाँ हाँ सही कहा आपने। ओके, सो देखो ये वाला पार्ट हमारा रेडी है, लेकिन बहुत अच्छा है ये। मैंने एक्चुअल में ये वुडन के ब्लॉक्स रखे थे, ये और अच्छे लग रहे हैं इसके कारण, ठीक है। देखो मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ सॉरी, ठीक है। चलो ये पास वाले कैमरे से दिख रहा है, पास वाले से ये देखो, इधर वाला कैमरे से, ठीक है। अब नीचे रख रहा हूँ मुझे तो बड़ा ऐसे खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, ये वाला पार्ट तो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। एक पार्ट मैंने आपको सिखा दिया, अब चाह रहे हैं इसमें ना वो थोड़ा सा क्रेन वाला खुदाई वाला पार्ट जो होता है जेसीबी वाला, वो थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, देखो ये 2-in-1 बनाया मैंने, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ये 2-in-1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लोड सिस्टम हटाएंगे। एक्चुअल में जेसीबी में यही होता है, जो भी लोड लगाने होते हैं खोदने के, छेद करने के, वो सब चीज़ें ऐसे ही लगाते हैं, डंपर के ऊपर जो आगे लगा रहता है खोदने वाला, वो सेट कर लेता है। तो अभी हम भी क्या करने वाले हैं, अरे तो लगी गया, परमानेंट ही हो गया। एक सेकेंड, हैप्पी बर्थडे करना पड़ेगा सर। तो भैया हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैंने एक्चुअल में होल भी सोच समझ के किया था थोड़ा सा, ताकि मैं इसको अभी यूज़ कर सकूँ। अब मुझे लगा ऊपर भी लगाना हाइड्रोलिक सिस्टम, अब हम जेसीबी वाला खुदाई वाला पार्ट करेंगे तो देखो पहले सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो इधर, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये पार्ट जो है ये भी मैं मूव करना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरह से धक्का मारना पड़ेगा और इस तरह से ये वर्क कराना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, यू हो गया। तो अपना जो सीरीज वाला पार्ट है एक्स्ट्रा, देखो अब क्या एक और सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ओ माय गॉड, इतनी लाया तो कहाँ चलेगी। सो ये दो और खुलने वाले हैं, ठीक है, 10-15 रुपये की आती है, 10 ml की यूज़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है, संभल के ये सही जगह रखना, इधर उधर लगलवा ना जाए।
सर विदाउट वाटर और विद वाटर यू कैन यूज एनी, विदाउट वाटर भी अच्छा वर्क कर रहा है। देखो वाटर डाल दोगे ना और कलर वगैरह डाल दोगे तो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, पानी इसमें कलर वाला लगता है, लेकिन अगर इसमें पानी डाल दोगे ना तो ये अच्छे से वर्क। एक्चुअल में क्या होता है, जेसीबी सिस्टम एक्चुअल में आपको पता है हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही वर्क करता है, जो उसके अंदर उसको उठाने के लिए हैवी हैवी वेट जो उठाता है एक्चुअल जेसीबी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या ऑयल सिस्टम रहता है, उसी ऑयल को प्रेशर से भेजा जाता है जिसके कारण वो जो उसके जो शाफ्ट होती है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाइड्रोलिक पार्ट ही बोला जाता है, इसको हाइड्रोलिक जेसीबी बोला, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। अब हाइड्रोलिक का मतलब एक तरह से पानी डाल दो उसके अंदर, ठीक है, आप इसके अंदर पानी भर दोगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। इसका जो अभी प्रेशर जो है देखो अभी कम हो रहा है ना, ये प्रेशर और बढ़ जाएगा, जैसे हम खींचेंगे ना तो ये भी कम आ रहा है, लेकिन आप इसमें भर दोगे तो और अच्छा प्रेशर आएगा, ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पाएगा वाटर डालने से। तो लास्ट में अपन ट्राई करेंगे वाटर वाला पार्ट भी, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी आधा पार्ट बाकी है हमारा। सो फर्स्ट देखो ये वाला हम एक और इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें एक सीरीज की जरूरत पड़ेगी दोबारा। अब ये वाला पार्ट हमें सोचना पड़ेगा पहले, आप देखो क्रेन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं कुछ इस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ताकि जो धक्का पड़ेगा, ठीक है, ताकि देखो इस तरह ताकि धक्का जब पड़ेगा तो ये इस वाले पे ऐसे आ जाए कि धक्का पड़ने पे इस तरह से हो जाए। अब जैसे मान लो खींचा इसने वापस, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा इस तरह से, ये देखो सिरिंज खींचेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम होल करते हैं, अब समझते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी वे में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको मैं होल कर लेता हूँ फटाफट से, और ये थोड़ा सा ऊँचा रखना पड़ेगा यार। ओके, सो यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट मैं अटैच कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने कहा था इसके लिए भी नटबोल्ट लगेगा हमें, ठीक है। अब नटबोल्ट जो यार इतने तो लाया था मैं, कहाँ चले गए, ठीक है, वापस वाशर की ज़रूरत पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। वाटर आप यूज़ कर सकते हो तो बेटर रहेगा, ठीक है, और कलर वाटर लगाओगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है, और इसमें ब्लैक पेंट वगैरह कर दोगे, वैसे ऐसे लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा पूरा अपना डिज़ाइन किया अच्छे से, ठीक है। सेकेंड इसे वाशर लगा के थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे ताकि ये फिसलता मतलब ढीला ढाला ही रहे, है ना। ये नट लगा रहे हैं इसके अंदर, आप चाहो तो दो चार नट लगा देना और। ओके, सो आई थिंक ये वाला पार्ट रेडी हो गया हमारा, थोड़ा सा मैंने इसको ढीला भी कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा ये वाला पार्ट तो खैर वर्क कर ही रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है। चलो ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन अगर मान लो इसको मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, अगर ये मेरा जो पार्ट है, अब इस पर डिपेंड करता है आप इसको कहाँ सेट करोगे। ओ माय गॉड, यहाँ तो छेद करना था, भूल गया छेद करना। ये थोड़ी सी दिक्कत तो आती है इसके अंदर, है ना, कोई बात नहीं, हम छेद तो करके रहेंगे, हमारे पास ड्रिल मशीन तगड़ी है। चलो काम चलाओ तो यही है। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारा छेद वाला होल वाला पार्ट जो हमने कर लिया है ये। ओके, सो अभी हमारा होल वाला पार्ट हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर दोबारा, तो ये वाला पार्ट दोबारा मुझे उड़ाना पड़ेगा। अरे ये तो पुरानी सिरिंजें दी है सी, खराब खराब, खैर अपने क्या है, इसमें से काम हो जाएगा अपना। ओके, सो अभी वापस हम होल करेंगे इसके अंदर, देखो सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेंटर में रख के करना, और आधा रखने के बाद इधर कर लेना इधर से, तभी सही होल होएगा, एक साथ पूरा करोगे बैंड खा जाएगा वो। ओके, सो देखो यहाँ पे होल हो चुका है, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, स्मेल कर रहा है बहुत ज़्यादा ये। ओके, सो फर्स्ट देखो ये वाला पार्ट जो है हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे लगाऊंगा। ये देखो वाह कितना अच्छा शानदार वर्क करा, देखो ये नीचे आया, ठीक है, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये बंद होएगा ऐसे। ओके, सो यहाँ तक खींचेगा ये, तो मेरे ख्याल से ये वाला पोजीशन इसका बेस्ट है, बस इसको ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सिरिंज जोड़ लूँ इसके अंदर, पाइप जो कटिंग किया था, अरे यार कटिंग वाला पाइप कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसमें पाइप लगा रहा हूँ। ओके, सो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा ताकि ये ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं दे, ठीक है, ये पार्ट तो एक्स्ट्रा उड़ रहा है, इसको निकाल देते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है हमको पता लग गया कि इस वाले पोजीशन पे ये इस तरह से काम करता है, अगर धक्का मारेंगे हम इसको तो ये ऐसे जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे आएगा।
तो इसको ऐसा अगर हम जोड़ते हैं अभी देखना, ये लॉक कर रहा हूँ मैं, आप तार से बांध सकते हो, ये एक बार लॉक हो जाता खुलता नहीं है, पहले बता दूँ ये खतरनाक वाला है। सो ये देखो मेरे ख्याल से पूरा सेट हो गया है ना, तो ये वाला, अरे यार ये तो खुल जाएगा थोड़ा तो। ठीक है देखो यहाँ पे पूरा पार्ट हमने जोड़ दिया है, अगर ये खुलना चाहेगा तो यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है ये वाला पार्ट तो देखो उठ जाएगा, ये उठ गया हमारा। ठीक है अब ये वाला पार्ट के अंदर क्या होगा, तो ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, ये खींचेगा इसको देखो इस तरह से, और उसको जब रिलीज़ करेगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ओके सो मेरे ख्याल से परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन अभी हम इसको टेप लगा देते दोबारा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सोच रहा हूँ थोड़ी तो गम लगा ही सकते हैं इसके अंदर, अगर हमारा गम से काम हो जाता तो गम लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी गम लगा दूँ, सब हो रहा तो कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ फ़ायदा होगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसका। ठीक है ये हमारा ये सिस्टम एक्टिवेटेड है, ओके आई थिंक ये मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो चिपक गया है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको टेप तो लगानी पड़ेगी, सारा काम टेप से बेटर होता, आप टेप ही लगाओ, ऐसे तो परेशान कर देगा। ओके चल जा रे, चल जा चल जा चल जा चल जा, थोड़ा सा बिखर गया एक्चुअल में सही बताऊँ तो। जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोगों को बता दूं कि हम हाइड्रोलिक जेसीबी बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल वे में, ताकि आपसे जल्दी बन जाए। ठीक है ओके सो ये हमारा सेटअप थोड़ा थोड़ा रेडी हो चुका है, एक्चुअल में पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को भी वर्किंग करता हुआ दिखेगा ना, ओह माय गॉड बहुत सही लग रहा है। ठीक है अब देखो ये वाला पार्ट जो है इसको वर्क कराना है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके सो ये वाला पार्ट देखो कुछ इस तरह से, आपको दिखेगा नहीं आई थिंक यहाँ, अब देखो तो ये मेरे ख्याल से अब वर्क करने लगेगा, तो ये इसका कुछ लुक आ रहा है कुछ इस तरह से, डॉगी स्टाइल का लुक आ रहा है चल रहा। चलो अब इसके अलावा हमारा ये वाला पाइप भी हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सो ये हमारा सिरिंज है, और अभी मेरे को लग रहा है ये इतना है, तो मैं इसको ओपन करके रखूँ और इसको मैं लगाऊँ तो एयर वगैरह का इशू ना आए। ठीक है अब आज का डाउट पे जाओ, 10 क्वेश्चन पूछो, देन उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, ऐप इंस्टॉल तो करो, एस लाइव 33 डालो आप, उसके बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं अनअकैडमी में, आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो ऑफर की अपडेट भी आती रहेगी आपको। ठीक है एस लाइव 33 डालना, आपको फ्री अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है ओके सो देखो ये वाला पार्ट हम देखते हैं खोल के, ओके वाह ये काम कर रहा है देखो। अच्छा पता है एक्चुअल में एक प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, कि ये बंद तो अच्छे से हो जा रहा है लेकिन खुल अच्छे से नहीं रहा, मेरे ख्याल से इसको और खुलना चाहिए, इतना हो गया है। अब मैं इसको धक्का मार रहा हूँ ये हो गया, और इसको मैं खींच रहा हूँ ना, तो ये पूरा और बाहर आना चाहिए, हाँ तो सही से रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है अब देखता हूँ वापस बंद करते हैं, ओके सो ये काम तो कर रहा है, ओके सो ये खुल अच्छे से रहा है, ओके सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है थोड़ा हम और ढीला कर देते हैं, और इसको मतलब और अंदर खींच देते हैं, ओके ये वाला पार्ट हमें उड़ाना पड़ेगा यार, ये अटक रहा है अपने, ऐसी दिक्कतें आती हैं। ओके अब ठीक है, बड़ा परेशान कर रहा था अभी, अब देखो ओके सो अभी हमारा पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है देखो। ठीक है
ये देखो यार, ये पूरा खींच नहीं रहा है एक्चुअल में। ये लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ेंगे ना, तभी अच्छे से वर्क करेगा। ये यहाँ पे लिया हमने और इसको रिलीज़ किया हमने, ठीक है। अभी जेसीबी वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। देखो ऋषि, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सारी क्लासेस फ्री भी रहती हैं। और अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है मेरा, वहाँ पे सतीश सर करके, वहाँ पे भी जुड़ जाओ आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे करें, थोड़ा परफेक्ट बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें इसी में थोड़ा टाइम लगता है। ओके सो अब मेरे ख्याल से ओह माय गॉड निकल गया, तो बहुत अच्छे से बैक साइड नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हमको धक्का में तो मारना ही पड़ेगा यार। अब देखते हैं, फिर यहाँ धक्का मारा हमने इसको, ओके सही काम कर रहा है। अब उसके बाद दोबारा खींचे हमने इसको, वापस आ भी गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे खींच रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये काम करा रहे हैं हम, ओके सो काम तो सारा ही कर रहा है इसके अंदर, देखो, ठीक है। ओके सो देखो हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा जो खोदने वाला पार्ट होता है उसको भी हम थोड़ा सा लुक दे देते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत कुछ खास नहीं पड़ने वाली, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल जेसीबी सिस्टम है जिसे आप 1 आवर के अंदर ही तैयार कर सकते हो, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना आप, क्योंकि मैं बिल्कुल चाह रहा था कि सिंपल तैयार हो जाए। चलो देखते हैं, खुदाई वाला पार्ट जो मैं वो लगा रहा हूँ एक्चुअल में, थोड़ा सा लगना तो चाहिए, खोदने वाला पार्ट है हमारा ये। ओके सो ये लुक दे दिया मैंने थोड़ा सा खोदने वाले पार्ट का, ठीक है। अब हमारा पूरा सिस्टम तो रेडी है, अब आप पर डिपेंड करता है इसको चलाते कैसे हो। अब रही बात, अपन को पानी डाल कर ट्राई करना है। सर देखो, आज मैंने आपको दो क्रेन सिस्टम वाला वर्किंग बताया, और ये हमारा जेसीबी वाला पार्ट ही बताया, बिल्कुल सिंपल वे में तैयार किया। इसका ओवरऑल कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ, 10 रुपये का नीचे बेस है, 15 रुपये का, और 20 रुपये की लकड़ी लेके आया था मैं, बड़ी थी, ठीक है। नहीं 20 की भी नहीं, 30 की लकड़ी थी बड़ी, तो 50 50, और ये 10 10 रुपये की सीरीज थी, 50 60 70 70 प्लस, ये महंगे थे, 20 20 रुपये के आई थिंक, 70 आपको शायद 30 रुपये का भी मिल सकता है, तो 70 प्लस 110 के आसपास, 110 के आसपास इसमें टोटल कॉस्टिंग आई मेरी फ़िलहाल। नट बोल्ट आप जोड़ लो तो 120 रुपीज़ के आसपास आप इसको ईजिली बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये पानी वानी डाल के चलाओगे, देखो लास्ट में अपन ट्राई तो करेंगे पानी से, ठीक है। तो अभी पानी इसके अंदर भरते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पावर्स को कम कर देते हैं ताकि ये पूरा अंदर चला जाए, और पानी भरते हैं। देखो पानी इसमें देखना पड़ेगा कैसे भरना पड़ेगा, अब मुझे पानी भी तो चाहिए होगा, पहले पानी पी लेता हूँ। चल मैं कप लेके आया हूँ, मैं देखते हैं इसको ट्राई करके पानी भर के इसके अंदर, ठीक है। देखिए ये हमारा क्रीम वाला पार्ट अलग रखते हैं, पानी भर के ट्राई करते हैं फिर। हेलो रोबिन सिंह, कैसे हो आप, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं। देखो जेसीबी बना रहे हैं, बस सिंपल वाला। ओके सो नाउ अभी यहाँ पे पानी का प्रेशर देखते हैं वहाँ पर कितना जाता है। ओके सो यहाँ पे ये वर्क, ओके तो पानी वहाँ तक जा चुका है एक्चुअल में, देखो पानी यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब मैं दोबारा से खींचता हूँ, वाह ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, ये जो पानी है मैं इसको निकालता हूँ पहले एक बार थोड़ा सा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और कोशिश करेंगे हम इसके अंदर, ये पानी का प्रेशर जो है मैं पूरा उधर फेंकने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये पाइप से सारा पानी इधर आ जाए। ये देखो थोड़ा थोड़ा धक्का मारना पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पानी का जो लेवल है यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये निकल ना जाए,
ओके देख लेते हैं पानी का जो लेवल है थोड़ा धीरे 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 देखो यहाँ तक आ गया है। अब मेरे को लगता नहीं है कि ये काम करेगा इतना। पानी गिर गया सारा पर मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ा है। एक्चुअली बताता हूँ क्यों। ओके अब देखो। ओके अरे वाह ये मतलब पानी से बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। देखो ये देखो कितना बैंड हो रहा है ना। देखो देखो वाह ठीक है देखो कितना बैंड हो रहा है, पूरा बैंड हो रहा है। सो मेरे ख्याल से पानी वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर है एयर वाले के कंपेरिजन, तो आप पानी ज़रूर यूज़ करना ठीक है। सेकंड वाले के अंदर भी फटाफट हम भर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे मेरे को पहले फटाफट पानी डालना पड़ेगा। ओके सो ये वाला पार्ट हमारा रेडी है, पानी थोड़ा सा हम डाल के इसको प्रेशराइज करते हैं। ओके माय गॉड बहुत अच्छी हाइट जा रही है इसकी, देखो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है ये। थोड़ा सा फैल गया मेरे यहाँ पे सिस्टम पूरा ठीक है, लेकिन हमारा जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है पानी के साथ, तो सच में आप बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। देखो क्या वर्किंग कर रहा है देखो ठीक है देखना ये देखो ये पूरा क्लिपर काम कर रहा है। अब इसको हाइट पे लेके जाना, देखो ये हाइट पे जा रहा है ठीक है। अब इसको हमको खोलना है, देखो इसका क्लिपर जो काम कर रहा है ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है देखो। वाह ठीक है हाइट पे लेके जाना है, ये लो हाइट पे लेके चले गए ठीक है। क्लिपर को खोलना है हमें, अब खोदने के लिए नीचे आना है, हमने नीचे किया इसको देखो सिस्टम को ठीक है। अब फटाफट से खोदना है, देखो ये खोद के उठाया और पूरा उठा लिया, तो ये वाटर से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ठीक है। और ये बिल्कुल सही सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। मेरे ख्याल से आप लोग को इसे बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे को भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया इसको ठीक है। थोड़ा सा इसका लुक आपको अच्छा करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो कलर पानी ठीक है। दूसरा आप चाहो तो ये हैंडल सिस्टम तैयार कर सकते हो ऐसा कुछ करके, ताकि आप इसको कंट्रोल कर पाओ ईजिली ठीक है। और अब रही बात आप चाहते हो कि सर इसके अंदर, ओ माय गॉड निकल गया, तो अगर आप चाहते हो कि सर इसके अंदर है ना हम चाहते हैं कि मोटर वगैरह से चले, तो एक्चुअली पता क्या होता है ये वाला जिस पार्ट को हम धक्का दे रहे हैं ना इसी पार्ट को मोटर यहाँ पे नट बोल्ट लगाना पड़ता है और इसके अंदर होल के साथ बैठाना पड़ता है ताकि अंदर और बाहर जाए नट कसने के साथ साथ, तो वो टफ होता है सच में, वो टफ होता है। दिखने में सिंपल होता है लेकिन टफ होता है। ये सबसे सिंपल है मेरे ख्याल से, आप इसे 1 आवर में तो ईजिली बना लोगे ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन इसको बना सकता है, कौन कौन नहीं बना सकता, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और नीचे भी टच हो गया देखो कितना शानदार हो गया ठीक है। तो कौन कौन इसको बना सकता है मुझे जल्दी जल्दी बता दो, आप लोग सब सब कर लेंगे इसको कंप्लीट, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अभी मुझे बताओ। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखो, अरे दोनों एक साथ कितना शानदार काम कर रहा है देखो देखो यू ठीक है। ये देखो ठीक है ओके ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे कंट्रोल तो कर पा रहा हूँ इतनी देर के अंदर। ओके सो यहाँ बताओ जितने जने अभी लाइव देख रहे हैं मुझे बताओ, ये बिल्कुल सिंपल आप इसे तैयार कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, आप लोग इसको तैयार करो ठीक है। और मुझे बताना जरूर कि आपका तैयार हो गया, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नया सीखेंगे हम। मैंने इसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के हिसाब से तैयार किया है। जितने भी स्टूडेंट इसको तैयार करना और कुछ नया अपना ऐड करना ठीक है। बकेट आप थोड़ी सी अच्छी बना सकते हो गोल करके ठीक है, उसमें टाइम लगेगा बकेट के लिए, या फिर आप उसको कलर कर सकते हो। ये पूरे पार्ट को येलो पार्ट कलर कर लो, नीचे ब्लैक कर लो तो रियल लुक आ जाएगा ठीक है। सीरिंज के अंदर पानी ज़रूर भर लेना आप लोग। ओके सो फर्स्ट मुझे बताओ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो जितने भी जने हैं यहाँ पे। विदाउट वाटर थोड़ा कम काम कर रहा था जॉन, मैंने अभी ट्राई किया इसको क्योंकि मैंने इसे 2 साल पहले बनाया था, जब बनाया था तो वाटर के साथ ही बनाया था। अभी ये वाटर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप लोग वाटर का ज़रूर यूज़ करना, बैलेंस करना वाटर को थोड़ा थोड़ा ठीक है। कुछ भी ख़राब वराब नहीं होना वाला इसके अंदर, सब ट्राई करो जितना करना है ठीक है। तो चलो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। अब मुझे बताओ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए आपको, अभी नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी नीचे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट। चलो गुड नाइट का रिप्लाई कर दो फटाफट से सारे जितने भी स्टूडेंट हैं ठीक है, जब तक मैं इससे खेलता हूँ ठीक है। और आपको कुछ और बनाना है सीखना है तो बता दो मुझे, और मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। ओह माय गॉड ऐसा भी होगा,
ठीक है। अरे हाँ, मैं सोच रहा हूँ पिचकारी वगैरह ही बनाना सिखाऊँ, ठीक है। तो मे बी मैं स्टूडेंट्स को पिचकारी वगैरह का भी सोच रहा हूँ, और कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर बनाना सिखाऊँगा। ओके, सो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।